विश्व योग दिवस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिज्जा बर्गर छोले भटूरे खाओगे तो योग नहीं हो पाएगा। योग के लिए संयमित खानपान रखना बेहद जरूरी है। शिवराज ने नई दिल्ली में सहयोगी मंत्रियों और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ योग किया। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग दिवस पर कही बड़ी बात। खानपान को लेकर बोले शिवराज, पिज्जा बर्गर खाओगे तो योगा नहीं होगा। विश्व योग दिवस पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ शिवराज का योगा। मंत्रालय में शिवराज मामा ने दिए फिट रहने के मंत्र। देश भर में आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक, सीएम से पीएम मोदी तक सभी योगासन करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में योगाभ्यास किया और इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आग्रह किया कि लोग केवल योग दिवस के दिन ही योग न करें, योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। पीएम मोदी ने सत्ता संभालने के बाद योग को दुनिया में प्रतिष्ठित किया। इसी के साथ ही शिवराज ने खानपान की आदतों को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें आयुर्वेद के अनुसार जितनी भूख हो उससे कम खाना चाहिए, जो शरीर के लिए हितकारी हो वही खाना चाहिए। पिज्जा बर्गर छोले भटूरे खाने से योग नहीं होगा। योग की पहली शर्त है यम और नियम, अनुशासित जीवन, संयमित जीवन, क्या खाना है क्या पीना है इसका ध्यान। अगर पिज्जा बर्गर खाते या छोले भटूरे सूच के आप सोचोगे कि ट्रीटमेंट से योग कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है ऋतभुक मितभुक हितभुक, कैसा खाना चाहिए। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो, मितभुक मतलब भूख से कम खाए। कई बार अपनी मीटिंग होती है तो मीटिंग शुरू होते ही प्लेट ले लाके रख देते हैं, उसमें अलग अलग खाद्य पदार्थ रहते हैं और बैठे बैठे मन नहीं मानता तो एक करके चबाते रहते, वो कोई सही तरीका नहीं। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी, मितभुक मतलब जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाओ और पानी पिए भी लगे रखो, और ऋतभुक मतलब ऋतु में जो वस्तुएं पैदा होती है, फल खाओ सब्जियां खाओ, अलग अलग ऋतु को मन ला जाए तो कई तरह की चीजें हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। लेकिन इतना जरूर हम तय करें, रोज योग करेंगे, निरोग रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और हमारा बेहतर से बेहतर अपने देश को देंगे। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज ने कहा कि योग भारत की दुनिया को एक अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को संपूर्ण विश्व में पहुंचाया है। अद्भुत, शांति और आनंद देने वाला योग स्वस्थ, सुखी और संपूर्ण जीवन जीने की कला और विज्ञान है। योग से केवल शरीर निरोग नहीं होता, मन भी प्रसन्न होता है, बुद्धि भी प्रखर होती है और आत्मा भी परमात्मा की ओर बढ़ती है।
ये भारत की दुनिया को अद्भुत देन है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुँचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकते। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान नियमित योगा करते हैं और उनके फिट रहने का राज भी योग है। यही वजह है कि शिवराज बिना थके आज भी तेज तर्रार राजनीति करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नई दिल्ली।